नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पे। और आज अपना नया टॉपिक है स्काडा। स्काडा क्या होता है, क्या यूज़ होता है स्काडा का, और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है, ये सभी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो पूरी चीज़ें समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और घंटी दबा के नोटिफिकेशन लेना भी मत भूलिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो स्काडा होता क्या है? स्काडा का लॉन्ग फॉर्म है दोस्तों, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है, और डाटा एक्विजिशन, जो भी चेंजेस, जो भी वहाँ जो हुआ है वर्क, उसको एक्विजिशन, वो डाटा ले लेता है। इज अ कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस विच इज द गैदरिंग द डाटा इन रियल टाइम फ्रॉम रिमोट लोकेशन इन ऑर्डर टू कंट्रोल इक्विपमेंट एंड कंडीशंस। तो ये रिमोट लोकेशन से, समझ लो कि शॉप फ्लोर पे आपका कोई एक्टिविटी हो रहा है और ये स्काडा सिस्टम लगा के इसका कंट्रोलिंग हो रहा है मेन गेट से, या समझ लो एडमिन से। ठीक है, या फर्स्ट फ्लोर पे ऑपरेशन हो रहा है, कंट्रोलिंग हो रही है थर्ड फ्लोर से। इस तरह से ये कंट्रोलिंग एक चेन बनी रहती है कंप्यूटर्स की, उनके जो कंपोनेंट्स है। यहाँ आपको देख के, ये देखो इतनी सारी चेन है, और ये चेन से बना हुआ इनके लेवल होते हैं। तो इस तरह से ये बनके आपको स्काडा रियल टाइम इन्फॉर्मेशन रिमोट कंट्रोल, ठीक है, मतलब दूर से, फार लोकेशन से, रिमोट कंट्रोल से आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। स्काडा सिस्टम्स इंक्लूड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, इसमें दोनों रहते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रहते हैं। गैदर्स द फील्ड डाटा इन फील्ड कंट्रोल सिस्टम विच फॉरवर्ड द डाटा टू अदर सिस्टम्स दैट प्रोसेस एंड प्रेजेंट इन टू अ ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI इन अ टाइमली मैनर। स्काडा सिस्टम ऑल्सो रिकॉर्ड द लॉग All events for reporting process status and issues. SCADA applications warn when the conditions become hazardous by surrounding alarms. SCADA आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उस टाइम पे आपको अलार्म्स क्रिएट करके आपको नोटिफिकेशन दे देगा। तो कंपोनेंट क्या क्या है उसके? सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स है, ठीक है। सेंसर का काम भी काम सेंसर क्या काम करता है कि आपको नोटिफिकेशन देना, अलार्म जनरेट करना, ठीक है। एक्चुएटर क्या करता है? कंट्रोल्स द मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस। बोथ सेंसर एंड एक्चुएटर्स आर कंट्रोल मॉनिटर्ड बाय स्काडा फील्ड कंट्रोलर्स, ठीक है। तो फील्ड कंट्रोलर्स क्या है? ऑपरेटर्स टू अंडरस्टैंड एंड If needed, modify the status of SCADA control processes. ठीक है, communication infrastructure. This enables SCADA supervisory system to communicate with the field device and field controller. Operator to understand that if needed, modify the status of SCADA control processes. Communication infrastructure. ठीक है, ये communication होता है। फिर इसके दो आते हैं कैटेगरीज। तो पहला कैटेगरी है RTU, यानी कि रिमोट टर्मिनल यूनिट्स, इसके रिमोट RTU होते हैं। और दूसरा होता है PLC, होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। स्काडा सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स होते हैं, जो देखो जैसे कि मेन मशीन लगा है वहाँ HMI है, HMI से दूसरा कंप्यूटर मिल ज्वाइन होगा, दूसरे से तीसरा होगा, तीसरे से फिर चौथा होगा, ऐसे कर कर के स्काडा सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स, मतलब एकदम जो हाई, एकदम जो मेन बोलते हैं वो सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स वहाँ अटैच किया जाता है। HMI सॉफ्टवेयर होते हैं,
ठीक है, इनको सभी को वो स्काडा सुपरवाइजरी कंप्यूटर मॉनिटर करता है। ठीक है, मेन है इसके दोस्तों फीचर आपको ध्यान रखने हैं। तो फीचर है डाटा एक्विजिशन, डाटा को प्राप्त करता है ये। रिमोट कंट्रोल, मतलब आप वहाँ बैठा, मतलब फ्लोर पे काम चल रहा है और आप एडमिन में बैठ के इसको कंट्रोलिंग कर रहे हो। रिमोट कंट्रोल मतलब, रिमोट मतलब दूर से कंट्रोलिंग हो रही है आपकी, जो इतनी सारी चेन जो कंप्यूटर्स की बनी है। ठीक है, नेटवर्क डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फीचर डाटा प्रेजेंटेशन, अगर आपको कोई डाटा प्रेजेंटेशन करना है तो वो भी इसका एक फीचर है। रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल डाटा, अगर आपको कोई हिस्टोरिकल हिस्ट्री चाहिए या लास्ट ईयर का डॉक्यूमेंट चाहिए, पिछले के पिछले लास्ट का कोई भी अगर ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए, अलार्म चाहिए, रिपोर्टिंग चाहिए, तो ये सभी स्काडा, इससे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके मिस नहीं होंगे, करप्ट नहीं होंगे, तो इसके लिए ये स्काडा बहुत ही यूज़फुल होता है। और इसके ये फीचर्स है, अगर लेवल आपको कोई अगर पूछता है तो लेवल होते हैं इसके अलग अलग से, 0 लेवल, 0-1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, और ये इस तरह से इसके लेवल्स होते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को, और आपके कोई कमेंट्स है तो मुझे ज़रूर कर देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।